Honorable Director Sir, Principal Ma'am, and all my dear friends, a very good morning to all of you. Friends, today is 111th birth anniversary of Bhagat Singh, on which I want to represent my speech, which is मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी है। मौत की मंडियों में सबने बढ़ बढ़ के बोलियां दी है। जब भी मांगी मेरे देश ने कुर्बानी, माओ ने भर भर के झोलियां दी है। माओ ने भर भर के झोलियां दी है। मैं आपको आज भगत सिंह के 111वें जन्मदिवस के बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं मेरे परिचय से भी पहले माँ को एक हिंदुस्तानी का परिचय बताना चाहता हूँ। हमारा यही अंदाज इस जमाने को करता है, हमारा यही अंदाज इस जमाने को करता है कि तूफान में चलने वाला एक चिराग, कि तूफान में चलने वाला एक चिराग क्यों किसी से न डरता है, क्यों किसी से न डरता है। मेरी पहचान इतनी है, कोई पूछे कौन था वो तो उसे इतना ही बताना कि भगत सिंह का चेला और इंकलाब का गुलाम था। और बच्चियों के जिस्म में एक कतरा भी गर्म रहूंगा तो उसे निकालना और जमीन पे फेंक, माँ तुझे सलाम लिख देना। यही मेरा परिचय था, है, रहेगा। वैसे जो कंफर्टेबल जो लोग हैं वो प्लीज मुझे न सुने, क्योंकि मैं छोटे व कमजोर दिल वालों से बातें नहीं करता हूँ। हर चीज के लिए वक्त निकाला जाता है। आज अपनी मातृभूमि के लिए, उन शहीदों के लिए, उन योद्धाओं के लिए, उन वीरांगनाओं के लिए मैं आपसे चंद मिनट मांग ले रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। इसके आगे वही सुनेगा जिसके लहू में उबाल आएगा, जिसके लहू में उबाल आएगा। लहू का लाल रंग तो बहुतों के बहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके लहू में इंकलाब बहता है, जिनके लहू में तिरंगा बहता है। मैं इसके बाद मेरी कुछ लाइनें मातृभूमि को समर्पित करना चाहता हूँ। आंधिया चल रही है, आंधिया चल रही है, तिरंगे को झुकाने को, झुकने न देंगे तिरंगा। तेरे लाल खड़े हैं माँ सर कटाने को, तेरे लाल खड़े हैं माँ सर कटाने को। माँ बाप को भगत से लेकर शहीद आजम सरदार भगत सिंह तक की कहानी माँ आपको मेरी चंद मिनटों में बयां करूंगा। वो एक स्पीच के, वो एक मेरी कुछ लाइनों के माध्यम से होंगे जो कंप्लीटली डेडिकेट करते हैं भगत सिंह को। देश की खातिर मरण मिटन, देश की खातिर मरण मिटन, 24 घंटे तैयार था, छोटी सी उम्र में आजादी का सर पे भूत सवार था। कानून कायदे अंग्रेज आके पल में कर दिए ढेर, था ईशा भगत सिंह से, था ईशा भगत सिंह से, था ईशा भगत सिंह से। या दुनिया पढ़कर सो जाती वो आधी रात में जागिया करता, बेरा देखे कर देगा अंग्रेजा ने डर लागिया करता। टेबल पहले फांसी देती नहीं लगाई देर, था ईशा भगत सिंह से, था ईशा भगत सिंह से, था ईशा भगत सिंह से। देश की खातिर जेरा मैं कर गया पर बात दवानी रहे, रात करिए भूल गए ना याद रही कुर्बानी रहे। मारे देश में हर बार की आंखें मैं जो सपना से लोटा भगत सिंह सपना से, लोटा भगत सिंह सपना से। फ्रेंड भगत सिंह की सच के पर्सन वो इन जस्ट 23 ईयर ओल्ड वेल यू आर है ही सेज अबाउट ब्रिटिशर्स दे कैन किल मी बट दे कैन नॉट किल माय आइडिया, दे कैन कंप्लीटली क्रश माय बॉडी बट दे कैन नॉट क्रश माय स्पिरिट। वे कहते थे लिख रहा हूं अंजाम जिसका, लिख रहा हूं अंजाम जिसका, कल आगाज आएगा मेरे लहू का हरे कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं मेरे बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। आओ मिलकर सलाम करें, आओ मिलकर सलाम करें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितना खुश नसीब था भगत सिंह, कितना खुश नसीब था भगत सिंह जिसके जिसका लहू वतन के काम आए, जिसका लहू वतन के काम आया। मैं जो कहने जा रहा हूं वो मैं कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा कि सड़ रही थी लाशें शहीदों की, फिर भी गांधी मौन था, फिर भी गांधी मौन था। अरे हमें पढ़ाया जाता कि गांधी के चरखे से आजादी आई तो फांसी पर चढ़ने वाला भगत सिंह कौन था। कैसे मैं सम्मान करूं उस गांधी की सीखों का, मैं तो कर्जदार हूं भगत सिंह की चीखों का। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, पर झूठ दे से बोला कोरा कि चरखे से आजादी आई थी। चरखा हरदम खामोश रहा और अंत देश को बांट दिया, लाखों बेघर लाखों मर गए जब गांधी ने बंदर बांट दिया। मैं कहना चाहता हूं
जुनून ए आजादी, जुनून ए आजादी सबके लहू में नहीं होती। यू शहादत पाने की आरजू सबकी नहीं होती, यू शहादत पाने की आरजू सबकी नहीं होती। गरम लहू का दबाव तो जवान कर लेगा, गरम लहू का दबाव तो जवान कर लेगा, पर उबला ला सके लाखों में वो गर्मी सब में नहीं होती, वो गर्मी सब में नहीं होती। आजाद है हिंद की लड़ाई तो याद होगी आपको, फिर भगत सिंह कैसे नहीं याद आपको। जश्न आजादी तो कई बार मनाई होगी, जश्न आजादी तो कई बार मनाई होगी, लेकिन कभी उस भगत सिंह की याद आई, उस शहीद आजम की याद आई। वैसे तो जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन हर इंकलाब में, हर इंकलाब में भगत सिंह को जिंदा रखना, हर इंकलाब में भगत सिंह को जिंदा रखना। सो हैव ए वॉइस टू इंकलाब, जिंदाबाद। आखिरी में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, आजादी की कभी शाम नहीं होने दूंगा, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने दूंगा। और बची हुई जिसमें एक बूंद भी, एक कतरा भी गर्म रहूंगा, तब तक भारत माता का आंसर नीलाम नहीं होने दूंगा। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू एमडी सर टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। जय जाट, जय भारत।